Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को नष्ट करना चाहती है। ये बड़ा बयान है राहुल गांधी जी का। सबसे पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस नष्ट कर दी है। राहुल गांधी जी कांग्रेस को और नष्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी को संविधान की चिंता नहीं करनी चाहिए। संविधान की चिंता इस देश के 140 करोड़ लोग कर रहे हैं और 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहे हैं। संविधान नरेंद्र मोदी के हाथों में पूर्णतः सुरक्षित है। राहुल गांधी जी को संविधान की चिंता छोड़ के कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए जिसे वो रोज नष्ट कर रहे हैं। आपके कांग्रेस नेता चरण सिंह चन्नी, उनका कहना है कि केजरीवाल केवल 15 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, फिर से जेल में जाने हैं। उन्होंने शराब का घोटाला किया, तो किस बात का इनका समर्थन करने है, स्वागत करने है? इस सवाल का जवाब साहब राहुल गांधी जी से पूछिए कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं वो सही हैं या केजरीवाल जी सही हैं? पंजाब में कांग्रेस आम आदमी को गाली दे रही है। आम आदमी पार्टी वाले पंजाब में कांग्रेस को चोर कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। दिल्ली में हम एक दूसरे के गले लग रहे हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान है कि ममता दीदी जो है सीए पर लगातार विरोध करती है, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। और सरकार ने कुछ लोगों को दस्तावेज भी सौंपे हैं सीए के लिए। देखिए, सीएए का जितना विरोध जो भी नेता कर रहा था या जो पॉलिटिकल पार्टियां सीए का विरोध कर रही थीं, उनमें से एक भी आज तक मुझे एक नेता नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि सीएए से किसी हिंदुस्तानी का नुकसान है। वो सब कहते हैं कि साहब सीएए कानून जो है जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है उस पर लागू ही नहीं होता। जब हिंदुस्तान में पैदा होने वाले ना हिंदू पे लागू होता है ना मुसलमान पे लागू होता है, तो इस देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको इस देश को तोड़ने की साजिश करते हुए? पाकिस्तान के इशारे पे बोल रहे हैं आप, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आप? जो घुसपैठिया हमारे देश में आएगा उसे हम बाहर ना करेंगे तो और कौन करेगा? क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान की जमीन पर, हिंदुस्तान की संपदा पर, हिंदुस्तान की भूमि पर हिंदुस्तान के ऊपर घुसपैठियों का कब्जा हो जाए? जब घुसपैठियों की बात होती है तो विपक्ष पूरा जो चिल्ला पड़ता है, पेट में दर्द मारता है, कहता मोदी तो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मोदी मुसलमानों के खिलाफ। मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मोदी हिंदुस्तान के मुसलमान की इज्जत करते हैं, मोदी हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तानी मानते हैं। एक सेंटेंस बताओ नरेंद्र मोदी जी का कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाले मुसलमान का वोट मुझे नहीं चाहिए, उसका समर्थन नहीं चाहिए, मैं उनका नेता नहीं हूं, मेरी स्कीम उनके लिए नहीं है। ये टोटल जो विपक्ष है, विपक्ष की विडंबना क्या है, विपक्ष का दुर्भाग्य क्या है, सारा का सारा विपक्ष राहुल जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। इनके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एरर हो गए हैं और 4 जून के बाद जो है वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मोदी जी के बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो बजट का 15% पैसा जो आता है वो मुस्लिम लोगों को बांटना चाहती है। देखिए, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद इस देश में आज तक अगर कोई सबसे बड़ा सेक्युलर लीडर हुआ है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनकी किसी भी स्कीम, किसी भी योजना, किसी भी उनकी प्लानिंग, किसी भी उनकी बात से ये नहीं झलकता कि वो किसी एक कम्युनिटी के लीडर हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ हिंदुओं का नेता हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी ये योजना, चाहे जनधन योजना हो, चाहे वो 5 लाख का बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा, चाहे वो वैक्सीन का लगाने का
जो पूरी प्रक्रिया थी, उन्होंने कब कहा कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है? उन्होंने कब कहा कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए है? उन्होंने ये सारे देश की बात की है, और सारे देश की बात जो करता है, 140 करोड़ लोगों की जो बात करता है, तो उससे बड़ा सेक्युलर लीडर और कौन हो सकता है? मुझे लगता है महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़ा सेक्युलर लीडर अगर कोई देश में हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी का ये कहना ये भी है कि कांग्रेस 15% बजट का मुस्लिम लोगों में बांटना चाहती है। देखिए, कांग्रेस का एक पाप हो तो गिना है। मैं भी कांग्रेस में रहा हूं, अब मैं उन पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। एक पाप हो तो गिनाया जाए। सारे पाप, सारे गुना, इस देश को तोड़ने का गुना, इस देश के विभाजन का गुना, इस देश में हिंदू और मुसलमान की सियासत करने का गुना, वोट बैंक का गुना, इस देश को अगड़े पिछड़ों में बांटने का गुना, इस देश में जो आज आप देख रहे हैं, जो इस देश का हाल है, वो बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत पुरानी बीमारी है। भगवान के लिए इस देश को नरेंद्र मोदी जैसा एक डॉक्टर मिल गया है, अब इस देश का ऑपरेशन होने दो, बीमारियों का ऑपरेशन होने दो। अब जब बीमारियों का ऑपरेशन होता है तो कोई कहीं बेहोश हुआ पड़ा है, कोई किसी को पीड़ा है, कोई किसी के पेट में दर्द है, कभी कोई चीखता है, कभी कोई चीखता है, लेकिन ऑपरेशन होने दो। 4 जून के बाद जो कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन बचे हुए वो भी मोदी जी करेंगे। पुनरदता घनता जानता संगमे मयि ओं तम ही पिता वसो तम माता शत्क्रतो बभूविथा अधाते सुमनमीमहि ओम यवेदा स्वस्ति नस्तार्क्षो हरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम भद्रं जगह नहीं रहने देनी, टाइट करके दबा देना मिट्टी, हवा नहीं घुसनी। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातुनः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षरेणस्ताक्षोरिष्टने आगे लेके आओ बोर्ड को, अब ठीक है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः कदम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षजत्रा स्थिरंगेस्तुष्टुवांसस्तनुर्वसेमहि देवहित। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दधता घनता जानता अधिकारी से बात करके, ये जमीन है वो सोलर वाला जो बड़ा प्लांट लगवा लो, बहुत सब्सिडी पे मिलता है वो, और दिन में इतनी बिजली।